इसका मसला यह रहा है, देखो ये जैसे वाईफाई ऑन करते ही ये मसला ये एरर खुद आ जाता है। ये आजकल सैमसंग इन्फिनिक्स टोकनो वगैरह ये बहुत ज़्यादा हो गए, ये मसला अभी वो और कुछ ओप्पो के फ़ोन में भी आ रहे हैं, ये मसले बहुत ज़्यादा। इसको क्लोज करते हैं बार बार, तंग करते हैं बार बार, ये मसला आता है। सही है, इसको चेक करेंगे। सबसे पहले इस केस में जब आपके पास आए, बिल्कुल शॉर्ट सा मैं आपको समझाने वाला हूँ। इसका मॉडल ओपन करना है, इसका मॉडल ये ऑलरेडी ओपन किया है। अच्छा, ये कह रहे हैं ऑलरेडी हमने ओपन कर लिया, स्पार्स एक्स है। और इसका आपने सेक्शन ओपन करना है वाईफाई और ब्लूटूथ वाला। वाईफाई ब्लूटूथ सेक्शन ओपन हो गया तो इसमें से हमने इसके वोल्टेज चेक करना है। इसके वोल्टेज आपको मिल जाएंगे 3.3, और एक वोल्टेज इसका हमें मिल जाएगा 2.8 और 1.8, 1.8, 2.8 और 3.3, ये वोल्टेज हमें मिल जाएंगे। तो मीटर को 20 DC पे कर लो, डायरेक्ट देखते हैं शटर। सबसे पहले इसके आपने वोल्टेज चेक करने हैं, और वोल्टेज आपको इसके चेक करने हैं ऑन मोड में। फ़ोन जब ऑन होगा तो तभी वोल्टेज चेक करने हैं। तो देखते हैं इसके, सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ। ये यहाँ पे मुझे मिल जाएगा इसका, क्लियर करो पीछे, सही है, यहाँ पे मिल जाएगा 1.8। हाँ जी, 1.8 आ रहा है। यस सर। अच्छा, इसके बाद मुझे नीचे मिल जाएगा 2.8। हाँ जी, हाँ, इससे नीचे वाला कैपेसिटर यहाँ पे 2.8 आ रहा है, यस सर। तो ये भी ओके है। इसके अलावा हमें मुझे मुझे मिल जाएगा 3.3 यहाँ पे। हाँ जी, मिल रहा है, यस सर। 3.3 3.32 मिल रहा है, नीचे मिल जाएगा 1.8। हाँ जी, मिल रहा है सर। तो वोल्टेज टोटल इसके क्या है, ओके है। इसके अलावा मुझे इसके चेक करना होगा सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक की लाइन। सीरियल डाटा सीरियल क्लॉक पे कैसी जी आर आएगा, सेम जी आर। तो देखते हैं इसमें सीरियल डाटा और क्लॉक की लाइन कौन कौन सी है। तो इसमें अगर हम देखें डाटा और क्लॉक, ये चार और तीन और चार, देख रहे हो, नंबर और चार डाटा और क्लॉक नज़र आ रहे, तीन और चार। डाटा क्लॉक भी जीआर चेक करें, सेम जीआर आनी चाहिए। वहाँ पे कर लो बजर, डायोड मोड पे कर लो। हाँ, इसका नोस कट ये वाला है, ये नोस कट है। तो इसका मिल जाएगा कितने पिन पे, तीन और चार, एक दो तीन जीआर है। कैमरा कैमरा साथ में ओपन कर रहा हूँ। देखो, एक दो तीन जी आर है, नहीं सर, नहीं। मीटर आपका सेट है वो जी आर पे। हाँ जी, अभी यस सर। कितना है, जी आर नहीं है। जी आर नहीं है, मिसाज हो सकता है, टच ना हो रहा हो, डायरेक्ट प्रॉप चेक करते। एक दो तीन, हाँ जी, जी आर है। ये अपने मीटर को किस मोड पे सेट किया है। अच्छा, बदर कंटिन्यूटी दोनों है। चलो जी, एक दो तीन, कौन से पिन थे, तीन और चार, तीन और चार, एक पे मिल रहा है कितना, 1.8, 1800 1.8, जी आर है। तो टोटल शुमार करेंगे, दूसरे पे भी 1888 सेम जी आर जी आर तकरीबन क्या है, सेम सेम है। तो दोनों पे सेम जी आर मिलनी चाहिए। हालांकि ये जी आर हमें मिलनी चाहिए 300 से 800, ताकि ये जी आर इसका क्या है, ज़्यादा है। इस बात को हम नोटिस में रख लेंगे, जब आईसी निकालेंगे तो उस टाइम हम इसको देखने वाले हैं। सही है। अच्छा, इसके बाद हमें एक और चीज़ चेक करनी होगी, ज़रा ये दे दो। इसके बाद अगर आपने डेटा क्लॉक चेक किया, दोनों भी सेम जी आर है, लेकिन जी आर हमारे थोड़ी सी ज़्यादा है, उसको हम क्या करेंगे, शक के दायरे में डाल लेंगे। वोल्टेज चेक किए, ओके है, सीरियल डाटा क्लॉक की जी आर सेम है। उसके बाद हमें एक्स ओ की फ्रिक्वेंसी चेक करनी पड़ेगी, एक्स ओ एन 8 नंबर लाइन पे, कि इसके एक्स ओ एन की फ्रिक्वेंसी आती है कि नहीं। तो 8 नंबर लाइन पे हम चेक करेंगे। तो ज़रा DSO को मैं कनेक्ट कर लेता हूँ स्क्रीन के साथ। वो DSO वाला केबल, ये DSO हमारा ऑन हो रहा है। DSO के ऊपर आपको हम ग्राउंड करेंगे और दूसरा चेक चेक करेंगे 8 नंबर पे। आपने आदिल ऑटो पे क्लिक करना है, सही है, अभी नहीं।
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ऑटो पे क्लिक करो, देखो इसकी फ्रिक्वेंसी बन रही है ऊपर। यहाँ पे थोड़ा सा माउस कर लो, 26 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी बननी चाहिए। देखो यहाँ पे कितना बन रही है, 25.99, 1 रुपये का डिस्काउंट दिया है, मतलब 26 मेगाहर्ट्ज का फ्रिक्वेंसी बराबर बन रही है। ये फ्रिक्वेंसी की कौन सी शक्ल है? एनालॉग की, डिजिटल? एनालॉग। एनालॉग तब है क्योंकि ये आपको बताया कि एनालॉग कौन सी होगी और डिजिटल कौन सी होगी। चलो वो कायदा आपको बताया गया है। चलो ये इसके वोल्टेज सही है और सीरियल डाटा क्लॉक पी जी आर के सेम है, इसका वो लगा के आप कर लो लग, और फ्रिक्वेंसी इसको मिल रही है तो वो लाजमी बात है कि क्या चीज़ ख़राब हो गई। आईसी, तो आईसी उठाते हैं डाटा क्लॉक के, फिर से जीआर चेक करेंगे। पहले अपने जीआर नोट किया है ना, दोबारा फिर से चेक करेंगे। इसका नोट कट नोस कट इस तरफ है, तो देखते हैं जल्दी जल्दी से इसको चैनल 3 पे कर लो क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट। और ये वीडियो सिर्फ इसलिए कर रहे ताकि हम ये माइक को चेक किया कर ले, क्योंकि शिकायत आ रही है आपके माइक सही नहीं है, माइक सही नहीं है, माइक सही। हमने बहुत सारे को कमेंट की कि भाई माइक सही नहीं है, वीडियो तो आपके लिए बना रहे हैं, आपको माइक गिफ्ट कर लो ऐसा कोई नहीं कर रहा है, लेकिन कमेंट कर रहे हैं कि क्या है। तो चलो हमने खुद ही ले लिया कि हमारे सब्सक्राइबर क्या है, हमसे प्यार तो करते हैं लेकिन खर्चा नहीं करते, प्यार करते हैं लेकिन खर्चा नहीं करते। हाँ, क्योंकि एड्रेस हमारा इनके पास है, हो सकता है कभी कभार कोई जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा ना हो, एक 5-10 रुपये का गिफ्ट ही भेज लिया करे कि हमारे तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, आपके वीडियो से हम इतना मसले हल कर रहे हैं, कमीशन नहीं तो गिफ्ट तो भेजे ना सही है बोला ना नहीं, आपने मेरे वीडियो से बहुत फोन आपने ऑन किया है लेकिन कभी गिफ्ट नहीं भेजे। हाँ, चर चर से आपने बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन प्यार बढ़ाने के लिए तोहफे नहीं भेजते कि हम वीडियो में दिखाए कि देखो एक सब्सक्राइबर ने भेजा है, सब्सक्राइबर हमारे क्या है मोहब्बत करते हैं इतने ज़्यादा, अपने इलाके का कोई क्या भेजे मामूली सा तोहफा, लेकिन ऐसा नहीं करते, बस कमेंट करते हैं माइक की आवाज़ सही नहीं है हुक्म देते हैं सिर्फ। अच्छा, कौन से पिन? 4 और कैमरा साथ में, 3-4 थे मेरे ख्याल में। हाँ, डाटा क्लॉक देख रहे हो, 3 और 4, 1, 2, 3 जी आर है 580, तो जी आर सही है ना? Yes, और यहाँ पे 581 सही है। वो जो जी आर ज़्यादा हो गया था शायद हमारे आईसी शार्ट हो गई थी, जिसकी वजह से हमारी जी आर क्या थी, ख़राब थी, सही है। तो अभी ये आईसी हम चेंज करने वाले हैं, ये आईसी हमारे पास एक और फ़ोन है, देखते हैं सेम मॉडल है कि नहीं है, वो तो हमने अंदाज़ा, इसके लिए वर्जन भी हमें देखना होगा, बहरहाल देखते हैं इसका वर्जन सेम है कि नहीं है। ये थोड़ा सा इसको क्लीन करना पड़ेगा, हाँ देखते हैं। ये वर्जन हमारा, हाँ वो तकरीबन मैच कर रहा है। चलो वर्जन आपको बताए गए हैं वर्जन मैच कर रहा है, वर्जन मैच करना ज़रूरी है क्योंकि फिर आईसी लगाते हो और कहते हैं कि काम नहीं करता, क्योंकि वो आपकी सीपीयू से वर्जन मैच नहीं होता ना, इस वजह से। अच्छा, ये माइक आपको नज़र आता है, ये भी मैंने चार्ज नहीं किया, जब ये लाइट बंद हो जाए ना तो मुझे बताना, अक्सर ये बंद हो जाता है तो फिर क्या होता है चार्ज ख़त्म हो जाते हैं ना। अभी चार्ज नहीं किया, ये तो टेस्ट पे लगा लिया, अभी आ गए पहुँच गए, बहुत दूर से मंगवाया इसको रिजवान। फिर से डाटा क्लॉक वाले लाइन चेक करते हैं, कौन से लाइन थे? 3 नंबर 4 नंबर 1, 2, 3 जी आर कितने? 498 और यहाँ पे 499 और पहले कितने चला गया था यहाँ पे? 1800। अभी थोड़ा सा कूल हो जाए, वजह ये हो सकती है कि ये हमारे आईसी शार्ट हो गए जिसकी वजह से डाटा क्लॉक की जी आर क्या हो गई, वरना इसके वोल्टेज भी आपको मैंने लिखे हैं और इसका जीआर भी लिखा है, कितना जीआर आना चाहिए और कितने वोल्टेज लिखे हैं ना। यस सर, थोड़ा सा इसको कूल करते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या मसला क्या है।
अभी अगर मसला सेम हो तो इसके लिए आगे हमें करना पड़ेगा, इसके एक एक पिन के हम जीआर लेंगे, आईसी को उठा के ना एक एक पिन की जीआर लेंगे। अगर टोटल जीआर ओके होती ना, मतलब हर एक पिन की जीआर अगर ओके हो, तो उसके बाद हम करेंगे ये आईसी और ट्राई करेंगे। ये आईसी या तो ओरिजिन मैच नहीं होगी या ये आईसी हमारी क्या होगी, ख़राब होगी, क्योंकि जब सारे वोल्टेज बन रहे हैं, सीरियल डाटा क्लॉक है, सीरियल डाटा क्लॉक को भी फिर हम डीएसओ से चेक करेंगे और आईसी भी रिप्लेस की, फिर भी आपका मसला हल नहीं हो रहा है, तो मतलब वर्जन आपका या मैच नहीं हो रहा है या कोई इस तरह सेम प्रॉब्लम है। अभी देखते हैं, नहीं सेम प्रॉब्लम देख रहे हो, हवा वापस चला जाता है। तो अभी आईसी को उठा के एक एक पिन का हम लेना शुरू करेंगे जी यार, सही है। आपको बताया था ना, इसको जरा साफ करो कि वाईफाई आईसी में हमारे कितने आईसी काम करेंगे, कौन कौन से, अभी एपीएम कॉन्टैक्ट देगा और सीपीओ कंट्रोलिंग और कम्युनिकेशन, कंट्रोलिंग कम्युनिकेशन के लाइन जानते हो, कौन से भी जीआर आने चाहिए कौन से नहीं ये मालूम कर सकते, चलो देखते हैं। अभी देखते हैं कि इसकी कितना आप समझ गए कंट्रोलिंग कम्युनिकेशन की, अभी हम करने वाली है ना इसकी, तो किसी न किसी लैब में मसला है, कौन से लैब में मसला है, मसला क्या है, खुफिया है, इसको अभी हम निकालेंगे और एक एक पॉइंट को क्या करेंगे, अच्छा उसके साथ ये लगा लो मोबाइल के साथ एक लाइन चेक करने वाले, एक नोज कार्ड इसका यहाँ पे है, तो एक नंबर पॉइंट यहाँ से शुरू होगा, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, सही है। तो एक यहाँ से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा इसको जूम आउट करेंगे ताकि एक साइड और 10 पॉइंट हमें नजर आए ना, एक साइड के 10 और साथ में मीटर, हाँ जी, और एक ये मीटर को संभालो ताकि इनको क्या नजर आए। अभी आपने देखना है इसका एक एक पिन हमने देखना है, एक नंबर पिन इसका क्या है, हाँ जी सुनाई नहीं दिया, इसलिए तो बीप आ रहा है, देख रहे हो, दो नंबर क्या है, हाँ रीसेट पिन, जी आर आनी चाहिए, जी आर आनी चाहिए, सही है, क्योंकि रीसेट का ऐलान कहाँ से कनेक्ट होता है, देख रहे हो, और कितना जी आर आना चाहिए, 300 से 800 तक। नंबर तीन लाइन कौन सा है, तीन नंबर डाटा, जी आर आनी चाहिए, हाँ जी कुछ लोग क्लास में नहीं है, कितना जी आर, अभी भी क्लास में नहीं आया, रास्ते में सही है, जी आर सही है। चार नंबर क्या है, कुछ लोग क्लास में नहीं है, चार नंबर क्या है, देख रहे हो, देखो उसामा जहाँ भी माउस कर रहा है ना वो देख लो, पहली बार आप आईसी की रीडिंग ले रहे हो, थोड़ा सा आपको मुश्किल होगा, लेकिन सब बोलोगे ना तो गलत दूसरे को कॉपी करके भी बोलोगे तो नजर देगा कि यार क्लॉक कहाँ पे है, सही है। और ये पिन नंबर किस तरह है, तो एक दो तीन चार हमने चेक किए, पांच नंबर क्या है, हाँ पीडीए, ये भी कंट्रोल की लाइन है, कंट्रोल की लाइन है, सही है, मैं आगे आपको पढ़ाने वाला हूँ, देख रहे हो जीआर है, उसके बाद क्लॉक, सही है, तो पीएमआईसी से कनेक्ट है ये आईसी, देखो अपना एक सिग्नल जनरेट करती है जो पीएम में क्या हो जाती है, जाती है, जिसको क्लॉक आईसी, जो क्लॉक सिग्नल कहा जाता है, सही है। इसको देखते हैं, ये कौन से पिन पे है, चलो दोबारा, एक दो तीन चार पे तो हमने चेक किया, पांच नंबर क्या है, पीटी है, छह नंबर क्या है, हाँ सी एस टी, एक कबिस्टर लगा है और लाइन ना कब कहीं आया है ना कहीं गए हैं, तो इसका मतलब बिल्कुल बास्केट याद है, चलो आगे जाते हैं, उसके बाद लेकिन यहाँ भी क्या है, एनसी, नहीं 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 देखो यहाँ पे जीआर नहीं आ रही है और यहाँ पे देखो क्या है, एनसी, इन्होंने इस्तेमाल में नहीं लिया तो ये क्या हो गया, एनसी। आठ नंबर क्या है, जीआर आनी चाहिए, कितना, 300 से 800 तक, देखो हर एक लाइन का आपको पता होता है माशाल्लाह। उसके बाद एनसी है कि इस्तेमाल में लिया, एनसी है, तो देखो
एनसीए के नहीं है। उसके बाद हमारे जो है ना क्यूपी लिख गए, क्यूपी किस प्रोटोकॉल के लाइन है कि नहीं, सीबीओ से टच होती है और जीआर आनी चाहिए कि नहीं, कितना जीआर आ रहे, उसके बाद कौन सा लाइन है और ऊपर जीआर भी नहीं है, उसके बाद आईपी जीआर सही है, उसके बाद जीआर आनी चाहिए, ओके 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 18 नंबर लाइन हो गया। 19 नंबर क्या है अभी देखते हैं, आई एन प्रोटोकॉल की लाइन आनी चाहिए कि नहीं, और देख रहे हो आ रहे, उसके बाद आनी चाहिए, ओके उसके बाद यहाँ पे आ जाओ 21 नंबर कंट्रोल, क्या पे लिखे इनको जरा दिखाओ, यहाँ पे कर लो फिर मीटर ऐड कर लेना। देखो अभी कंट्रोल की लाइन शुरू हो गई, सही है, कंट्रोल की लाइन शुरू गई। 21 नंबर क्या है कैमरा, कंट्रोल टू, कंट्रोल की लाइन सीबीओ से कनेक्ट होती है, जीआर आनी चाहिए कि नहीं, कितना आनी चाहिए, देख रहे हो जीआर नहीं, अच्छा उसके बाद देखो उसके बाद वाला क्या है, कंट्रोल वन, कंट्रोल वन भी कितना आना चाहिए, देख रहे हो, उसके बाद कंट्रोल जीरो जीआर, अभी देखो कंट्रोल टू और कंट्रोल इन दोनों भी जीआर नहीं आ रही है। देखो मैं आपको समझाता हूँ, हालांकि इन भी जीआर आने चाहिए, अगर किसी के जहन में आई कि कंट्रोल पे तो जीआर नहीं मिलेगी, ये मीटर को हटा के सिर्फ स्कीमेटिक्स कर लो। देखो किसी के जहन में आई कि कंट्रोल की लाइन पे जीआर नहीं आएगी तो इस पे क्यों आ गया, इस पे तो आ गया ना, और कंट्रोल की लाइन इधर करो समझ थोड़ा सा ये डायग्राम, अच्छा फुल आगे नहीं हो रहा है। अभी कंट्रोल टू पे थोड़ा सा जूम करो, कंट्रोल टू पे क्लिक करो, डबल क्लिक करो, देखते हैं। देखो इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये है हमारी आईसी, वाईफाई आईसी, ये आप ही समझ लो, अभी आपके सेक्शन शुरू हो गए। ये हमारे पास आईसी है, ये हो गया हमारा पीएम और ये हो गया हमारा सीपीयू और ये हो गए हमारे वाईफाई आईसी। अभी इसमें एक लाइन आया है इसी तरह, वाईफाई आईसी तो हमने हटा ली, लेकिन इस लाइन पे हमें मिलेगा जीआर मिलेगा, क्यों, क्योंकि इस आईसी के हमें जीआर मिलेगी, इस आईसी के मिलेगी। एक लाइन हमारी सीबीओ से कनेक्ट है, हमने वाईफाई आईसी तो निकाल लिया, लेकिन इसमें जीआर मिलने चाहिए, क्यों मिलने चाहिए, क्योंकि सीपीओ तो लगा है। अभी सीपीओ अगर हम हटाएंगे तो फिर यहाँ पे जीआर नहीं आएगी, क्लियर हो गया। तो अभी कंट्रोल सीटीआरएल कंट्रोल की लाइन है, अभी कंट्रोल की लाइन हम देखते हैं कि कहाँ से कनेक्ट। इसमें एक चीज और आपको मिलेगी, एक लाइन हमें इस तरह मिलेगा जो यहाँ पे आके कैपेसिटर लगा होगा, एक कैपेसिटर से कनेक्ट होगा, तो इस कैपेसिटर इस लाइन पे हमें वैल्यू नहीं मिलेगी, जब आईसी हम निकालेंगे वैल्यू नहीं मिलेगी, और आईसी लगाएंगे तो वैल्यू मिलेगी, सही है। अभी इस लाइन को देखेंगे, कौन सा लाइन है, कंट्रोल टू, अगर आगे जाके ये कैपेसिटर से टच हो तो हम क्या कहेंगे कि चलो जीआर इस पे नहीं मिलनी चाहिए, अगर आगे जाके ये डायरेक्ट सीबीओ से कनेक्ट हो तो वैल्यू हर टाइम में मिलनी चाहिए, तो हम इस आईसी के बजाय कहां पे काम करेंगे, डायरेक्ट सीबीओ पे, सही है। लेकिन अगर कंट्रोल की लाइन इस तरह गई, अभी जीआर मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि जब कैपेसिटर आपने सीरीज में लगा लिया, इसके काम मैंने आपको बताया है, कैपेसिटर सीरीज में क्यों लगाया जाता है, याद आ गया, तो फिर कैपेसिटर की इस साइड के बजाय हमें इस साइड भी जीआर चेक करना पड़ेगा, इस साइड भी तो तब जीआर आएंगे जब ये इस पे एनसी मिलेगा, और अगर इस तरह का कैपेसिटर लगा है तो इस पे क्या मिलेगा, एनसी मिलेगा, सही है, क्लियर हो गया। लेकिन जब कोई लाइन डायरेक्ट हमारे आईसी से कनेक्ट है तो उसमें जीआर मिलने चाहिए। अभी किस किस लाइन में मसला था, सीटीआरएल और सीटीआरएल जीरो, आगे हमने नहीं चीखे, बहुत सारे लाइन है, क्योंकि मसला हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, ये शक के दायरे में आ गया तो चेक करते हैं। अभी इसमें आगे कैसे फॉलो करेंगे इसको,
नहीं, हाथ आ रहे तो सिंगल क्लिक। और देखो क्लिक करने से पहले आपने पूरा नाम डाउनलोड करना है, COWNWF Control 2। अभी क्लिक कर लो, हाँ वही पूरा नाम COWNWFCTRL2। डायरेक्ट आ गए कहाँ पे, सी पे। थोड़ा सा जूम आउट करो, हाँ नीचे करो, हाँ हाँ जी देख रहे हो U101। और U101 कोड जहाँ पे मिलेगा इनफेक्टर सी पी, और MT6768V हमारा क्या है, सी पी यू है। और दूसरा लाइन चेक कर लो, उसमें वहाँ पे वापस जाओ, ये नीचे Control 0 देख रहे हो, यस सर। Control 0 वाईफाई हमारी सीपीओ से जा रहा है, CTR 0, उस पर क्लिक करो, डायरेक्ट कहाँ पे जा रहा है देख रहा हूँ, बीच में कोई कंपोनेंट नहीं। इस आईसी को अगर हमने निकाल लिया फिर भी यहाँ भी GR मिल नहीं चाहिए, सही है, यहाँ भी GR नहीं मिल रहा तो मतलब इसमें क्या है मसला हमारी सीपीओ में। इस मसले के लिए किसी जगह पे हमें काम करने की जरूरत नहीं, सैंपल साइज को या तो ड्रिलिंग करते हैं या क्या करते हैं, रिबाल करते हैं, सही है, मसला समझ में आ गया। अभी ड्रिलिंग करे या क्या कर ले, रिबाल कर, ड्रिलिंग, सही है। लेकिन पहले एक मरतबा इससे क्या लेते हैं, फॉर्मेशन लेते हैं, क्योंकि ये शॉप कीपर है यहाँ पे, उससे फॉर्मेशन लेते हैं। फॉर्मेशन देखो डेड नहीं होगा, डेड हो जाएगा मैं दूसरा सी पी ओ आपके सामने लगा के दिखाऊंगा आपको, सही है। लेकिन फॉर्मेशन क्या है, जरूरी है, हाँ अभी वो कही है कि मेरी इजाज़त के बगैर आपने सी पी ओ क्यों रिबाल की, क्यों कर ली, ये सही है। तो इससे हमें क्या करना है, बचना है, हमने अपना एक नाम बनाना है, एक लेवल बनाना है, इस तरह करना है कि लोग हमें मिन्नत करें कि करो, सही है। तो इससे एक मरतबा फॉर्मेशन लेके इसको क्या करेंगे, करेंगे। लेकिन मसला समझ में आया कि कहाँ से है, देखो हमारा एक दोस्त है यहाँ पे जो आता है डेली, इसने अपने स्टूडेंट को मोबाइल पकड़ा लिया कस्टमर का कि इसका मसला मालूम करो, हल ना करो, मसला मालूम करो, कस्टमर को चाहे वापस दे दो, लेकिन मसला क्या करना है, मालूम करना है। तो मसला मालूम करते आदमी का दिल क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। अभी आपने मसला हल भी किया लेकिन आपको पता ही नहीं कहाँ से हल हुआ, कहाँ से, तो दिल खुश होता है, उसको कोई कारीगर कहता है, तो कारीगर दूसरे को कहते हैं कि मसला क्या करे, मालूम। अभी हम 100% गारंटी देते हैं कि मसला यहाँ से हल होगा, क्यों हल हुआ है आपको समझ में आएगा, सही है। क्योंकि इससे पहले हमने सिर्फ 2-3 सेंसर सेक्शन के पढ़े हैं, और इससे आप इंशाल्लाह इतना कर सकते हो, तो समझ लो कि सेक्शन ख़त्म करेंगे तो वकार माशाल्लाह, क्लियर हो गया। चलो जी, चलो जी।